आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के उदलकछार रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को हुए एक सफाई कर्मी की हत्या के मामले को मात्र 24 घंटे के अंदर ही कोरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। दरअसल बताया जा रहा है कि मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के उदलकछार रेलवे स्टेशन के पास 26 वर्षीय सोनू पनिका का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला, जिसकी शिकायत मृतक की पत्नी मोनिका पनिका द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उसके पति की हत्या कर दी गई है। वहीं पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पहुंची घटनास्थल, जहां मृतक के शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई, जहां पुलिस ने 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और जांच की गई। वहीं SDOP मनेंद्रगढ़ अनुज गुप्ता के नेतृत्व में थाना प्रभारी के साथ एक टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी के दौरान मृतक सोनू पनिका की पत्नी मोनिका पनिका को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर आरोपी पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि उसके पति सोनू पनिका द्वारा आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उसके चरित्र पर शंका भी करता था। वहीं गुरुवार को मृतक सोनू शराब के नशे में देर रात घर पहुंचकर घटना के दिन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और आवेश में आकर पति के सो जाने के बाद धारदार धांगी से सिर में वार कर दिया, हत्या कर मौत की घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टांगी और घटना स्थल पर समय से पहले कपड़े को घर से बरामद कर जब्त किया है और आरोपी मोनिका पैनका को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना 8-9 दरमियानी रात की है। सोनू पनिका अपने घर के बाहर सो रहा था, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। मामले की जांच थाना महेंद्र से की जा रही थी। संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी मोनिका पनिका को पुलिस अधीक्षक में लेकर जब पूछताछ किया गया, उसने अपना अपराध करना कबूल किया है। उसके निशानदेही पे टंगिया जिसमें खून लगा हुआ है और हत्या के दौरान जो उसने कपड़ा पहने थे जिसमें खून लगा हुआ है, वो जब्त किया गया है उसमें मोनिका के आधार पर। अब उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। सर, काफ़ी जोरदार वार करी थी, बताया जा रहा है कि युवक का बेहद तक बाहर आ गया था, इतना आक्रोशित कैसे हुई? इनका बीच एक चरित्र शंका को लेके रोज वाद विवाद होता था। घटना दिनांक को भी मृतक ने अपनी पत्नी मोनिका को मारपीट किया था, उससे वो बहुत आक्रोशित थी और जो हथियार था वो टंगिया और काफ़ी वजनदार हथियार था, जिसमें लगातार 3 बार एक ही जगह चोट पहुंचाने से उसके चोट। रात में मतलब झगड़ा किए थे तब युवक बाहर सो नहीं आया? हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट RNN न्यूज़।